Okay, can you hear me? Yes, sir. All right, very good. So I'm not going to wait for others because very few have bothered to see the message and even fewer have bothered to see the link message. So ab hum aaj start karenge secondary brand leveraging ka chapter. Ye ek वीडियो से स्टार्ट करते हैं जो कि ओवरव्यू दे देगा उसी चीज का जो कि चैप्टर में है, और फिर हम चैप्टर में जो कुछ और डिटेल होंगी तो उसको देख लेंगे। तो मैं जब ये वीडियो चलाऊं तो आप बता दीजिएगा कि 12 आई थिंक 10-12 मिनट की है कि ऑडियो वगैरह आपको सही आ रही है या नहीं आ रही है। इनफैक्ट 8 मिनट की है वीडियो। ओके so let's start. Oh yeah, any questions from last time? Jo hamara routine hai, koi pichle topics ya report related koi question? Sir, jo aapne report di hai usme jo question answer hai unke sirf answer hi word pe karne hai. Unke sirf answer kya karne hai? वर्ड पे उनके आंसर से सिर्फ करने हैं। तो और क्या यानी करना होगा? सर वो जो कंफ्यूजन और कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है वो नहीं? हाँ वो तो देखें, हर रिपोर्ट के जो बेसिक्स होते हैं, कवर पेज, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और ये जो ब्रांड ऑडिट है उसके बाद फिर आप अपने चाहें तो एक पेज के मैक्सिमम 2 पेज के रिकमेंडेशन देना चाहें तो दे दें। वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, ब्रांड ऑडिट हो जाए सही तरीके से ये काफी है। ठीक है? ठीक है सर। ओके, आपने कौन सी कंपनी चूज की है? सर हमने ना पहले खादी की थी, लेकिन इसके बाद है ना हमने कोका कोला का सोचा है, लेकिन हमारे ग्रुप मेंबर ने ग्रुप में पूछा है कि उसने कोका कोला लिया तो नहीं है किसी ने। अच्छा हाँ, कौन है वो? सर वहाँ वो हाँ, हमारे ग्रुप का है ना। सही सही सही, ठीक है चलें। तो राइट, कोका कोला में कांटेक्ट अगर हो तो फिर एक बात है, वरना मसला पता है ये है कि, और अभी कौन कौन आ गया, यूसरा और फराज, मसला ये है कि कोका कोला पे रिपोर्टें, KFC, मैकडॉनल्ड्स, इनको बहुत रिपोर्टें मिल जाएंगी। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। सो मैं फिर यही कहूँगा कि पुरानी रिपोर्टें अगर मिलती हैं और मिल भी जाएंगी तो उनको आप यूज़ कर लें एज अ सोर्स, एज अ फाउंडेशन, कोई डेटा मिल जाए उनसे और उनको रेफरेंस कर लें प्रॉपरली। किसी किस्म की कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ममानियत नहीं है, आप बिल्कुल यूज़ करें। मगर जब स्टूडेंट्स बग़ैर रेफरेंस किए हुए और पुरानी चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं ना अपने एफर्ट के तौर पे, वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। जब खुद इजाज़त दे दी है कोका कोला का इंटरनेट पे सर मिला भी है ना, KFC वगैरह उसके बहुत है ना। जी जी हाँ, तो सर हम यही चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? यही वाली कंपनी कोका कोला। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोका कोला के ब्रांड ऑडिट आपको मिल जाएं, उनको आप यूज करें, और जैसे के उसूल है जो आप मटेरियल यूज कर रही है, जहां से भी मिला है आपका ग्रुप जो यूज कर रहा है, उसे आप प्रॉपरली रेफरेंस कर दें। उसमें किसी किस्म के कोई मार्क्स की कटौती नहीं होगी, वो एक ऑनेस्ट तरीका होता है कि भाई हमें ये सोर्स मिला, ये सोर्स मिला, ये सोर्स मिला, फलानी चीज़ वेबसाइट्स है, फलानी चीज़ एनुअल रिपोर्ट्स है। कोका कोला यहाँ पाकिस्तान में तो आई थिंक अंडर टर्की के ऑपरेशंस के तहत चल रहा है, CCPBL जो है, कोका कोला बॉटलर्स पाकिस्तान लिमिटेड जो है, तो यहाँ पब्लिक लिमिटेड तो नहीं है, तो एनुअल रिपोर्ट तो मिलेगी नहीं। बहरहाल वो कोका कोला टर्की की वेबसाइट और उनके पाकिस्तान के ऑपरेशंस और कुछ जो रिपोर्टें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, उन सबको इस्तेमाल कर लें। और अगर ये कॉन्टैक्ट किसका है वहाँ पे कंपनी में?
सर आप क्या कह रहे हैं कांटेक्ट किसका है कंपनी में? सर, ये आज हम सर्चिंग करेंगे। अभी ग्रुप आज में पूछा था ना कंपनी का सर, क्योंकि हमारा एक सर मदरसे का असाइनमेंट है वो चल रहा है, तो सर आज आप स्टार्ट करेंगे। वो क्या टीवीसी जो बनाने का है? जी सर, वो हम मंडे को पीवीसी बनाने जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत काम था ना, तो वो ही चल रहा था। हाँ तो इसमें काम नहीं है, उसमें ही काम है सारा। सर बहुत है उसमें भी। क्या करना है उसमें? सर उसमें तो पहले हमें पोस्ट बनानी थी, और उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह करना था, उसके बाद स्टोरी चूज करनी थी, और उसके बाद टीवीसी बनानी थी, उसके बाद सर कैमरा मैन और सब देखने थे उसमें। अच्छी एक्सरसाइज होती है ये एडवर्टाइजिंग कोर्स में कमर्शियल बनवाना। मेरा पर्सपेक्टिव स्लाइटली डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल उस पर स्टूडेंट काम कर लें, जैसे कि एडवर्टाइजिंग ब्रीफ पे, क्योंकि जब आप ब्रांड में काम करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट बनाना आपका काम नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट बनाना किसका काम होगा? है भाई, आप अगर ब्रांड मैनेजर हैं तो एडवर्टाइजमेंट कौन बनाएगा? कैन यू हियर मी? हेलो। यस सर। अगर आप ब्रांड मैनेजर हैं किसी भी ब्रांड की, तो एडवर्टाइजमेंट, टीवीसी, रेडियो कमर्शियल बनाता कौन है? आप बनाएंगी? नहीं सर, हम तो नहीं बनाएंगे। कौन बनाएगा फिर? सर कंपनी। की आवाज नहीं आ रही। फराज, उमेर, आप कोई बताना चाहेंगे? ब्रांड मैनेजर अगर ऐड नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा ऐड? सर कंपनी बनाएगी। कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी बनाती है ऐड? सर अक्सर औकात ये आउटसोर्स ही करते हैं ना, जैसे एजेंसीज हो गई, उनको दे देते हैं कि भाई आप इस बिल्कुल प्रोडक्ट के ऊपर ऐड दे दें। कोई भी कंपनी कभी ही शायद रेयरली अपना ऐड खुद बनाती है, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्पेशलाइज्ड हैं, वो ये बनाती हैं। तो ब्रांड मैनेजर के तौर पे ही हमने लास्ट टाइम बात भी की थी पिछले क्लास में, कि ब्रांड मैनेजर के तौर पे आपका क्या रोल होगा इस इश्तेहार बनवाने में? आप कौन से डॉक्यूमेंट बनाते हैं? आप किस प्रोसेस पे काम करते हैं? आपकी थिंकिंग किस चीज में इन्वॉल्व होती है? इश्तेहार बनाने में तो इन्वॉल्व नहीं होती है, इश्तेहार बनवाने में इन्वॉल्व होती है। इश्तेहार बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप? लास्ट टाइम बताया था। डज एनीबडी रिमेम्बर? एडवर्टाइजिंग ब्रीफ याद है? एक डॉक्यूमेंट बताया था मैंने। भाई कोई आवाज आ रही है, कोई जवाब नहीं आ रहा। हेलो, कैन यू हियर मी? भाई तो आ रही है आवाज तंजीला, तो जवाब भी तो इंसान दे दे।
एडवर्टाइजिंग ब्रीफ का याद है, पिछली दफा डिस्कशन किया था। नहीं जवाब दें। ओके okay। अच्छा ये कौन खामोश बैठे रहे और खामोशी से क्लास लेते रहे। ओके सेकेंडरी ब्रांड लेवरेजिंग एक चैप्टर है, उस पे एक शॉर्ट वीडियो आप देख लें। वो वीडियो में कैलर के ही जो सेकेंडरी ब्रांड लेवरेजिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर्ड है। आइडिया ये है कि लेवरेज करना है यानी उठाना है ब्रांड को, तो उसमें एक तो ब्रांड के अपने वो है पावर है जो उसकी परफॉर्मेंस और इमेजरी है, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पिरामिड याद हो, और उसकी इमेजरी हिस्ट्री हेरिटेज ब्रांड पर्सनैलिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके अलावा भी ब्रांड को जो ब्रांड से हट के, यानी प्राइमरी तो हो गए ब्रांड के अपने और सेकेंडरी हो जाएंगे जो ब्रांड से हट कर चीजें हैं उनके जरिए से भी ब्रांड को उठाया जा सकता है, तो वो आप जरा देख लीजिए और ये इसको फिर हम चैप्टर को कवर करते हैं। सो एज सून एज आई स्टार्ट द वीडियो जस्ट लेट मी नो कि आपको उसकी आवाज आ रही हो, ठीक है? बोलना ही नहीं है। Hello and welcome to marketing91.com. In this video, we are going to cover the topic on leveraging secondary brand associations. अच्छा आवाज आ रही है इसकी वीडियो की? Yes sir. All right, great. ठीक है, तो इसको ऐसे ही देख लीजिएगा। ये सारी चीजें अभी हम डिटेल से करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू है और कलर पे ही बेस्ड है पूरा ये हमारे चैप्टर पे। Let's start with the introduction. Brands, in order to reach a greater number of people, may be associated with other brands that have their own knowledge structure in the minds of the customer. So, ये तो वही knowledge structure की बात की गई है जो brand equity के concept था। Definition जो थी, the differential effect that brand knowledge has on customer response to the offer. ये वही brand knowledge है, strong, unique और favorable associations या किसी भी किस्म की associations हैं। पोजिशनिंग से भी इसका गहरा ताल्लुक है, जो कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। पोजिशनिंग माइंड्स ऑफ कस्टमर्स में होती है इन कंपैरिजन विद कंपटीटर्स। दिस एंसिलरी अप्रोच टू स्ट्रेंथनिंग ब्रांड इक्विटी इज कॉल्ड लीवरेजिंग सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशंस फॉर द ब्रांड। द ब्रांड हियर बोरोस सम ब्रांड नॉलेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसोसिएशंस एंड रिस्पॉन्सेस, ऑल्सो पॉसिबली सम ब्रांड इक्विटी फ्रॉम अदर ब्रांड्स। अच्छा नॉलेज बोरो हो रही है, नॉलेज का एक नेटवर्क है। चैप्टर शुरू के चैप्टर्स में हमने देखा था कि अगर हम वर्ड एसोसिएशन शुरू करें, अच्छा भाई आपके जहन में लेट्स से पीटीवी का नाम लिया जाए, जियो का नाम लिया जाए, डॉन ब्रेड का नाम लिया जाए, कोई भी ब्रांड का हम नाम ले लें, तो उसके साथ एसोसिएशंस आपके दिमाग में मेमोरी में है कि डॉन ब्रेड में कहूँ तो डॉन से सुबह सूरज को तुलू होना, डॉन अखबार फॉर इंस्टेंस, डॉन न्यूज चैनल, डॉन पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं जब सुबह होती है, किसी के जहन में प्रेयर्स आएंगी, किसी के जहन में स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना, जॉब पे जाना, और ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट, और फिर उससे लिंक जो है वो ब्रेड
फिर वाइट ब्रेड, वीट ब्रेड, ब्रेड अच्छी है या खराब होती है सेहत के लिहाज से, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, ये सारे एसोसिएशन आना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम दूसरे एसोसिएशन को यूज करते हैं जो ब्रांड से हटके हैं, तो हो क्या रहा है कि उस ब्रांड की जो एसोसिएशन हैं वो चांस ये होता है या ख्वाहिश हमारी होती है कि उस ब्रांड की एसोसिएशन भी हमारे साथ, हमारे ब्रांड के साथ जो है मिल जाए, जो अच्छी एसोसिएशन है। आसान अल्फाज में ये ऐसा ही है जैसे कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर अगर खिंचवाएं अपनी, तो आपकी उम्मीद ये होती है कि जब आप अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे अपनी तस्वीर सेलिब्रिटी के साथ, तो जो सेलिब्रिटी का ग्लैमर और इमेज है वो आप पे भी थोड़ा सा रब ऑफ हो जाएगा, हालांकि आपका कोई ताल्लुक नहीं है उस सेलिब्रिटी से। किसी फंक्शन में आपको नजर आ गए, आपने उनसे रिक्वेस्ट करके जो है वो तस्वीर खिंचवा ली, बट आपके सर्कल में आपकी शायद थोड़ी सी अहमियत बढ़ जाए कि वाह भाई आप कहाँ थे, कहाँ थी जो इनके साथ तस्वीर खिंचवा ली, तो थोड़ा सा आपका भी मे बी वो ग्लैमर आ जाए जो कि उन सेलिब्रिटी के साथ। यही ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा कंट्री ओरिजिन हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, ये सारे सोर्सेज हैं कि दूसरों का मैजिक जो है वो आपके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आ जाए। One can leverage secondary brand association by linking the brand to the following aspects. First, countries or other geographic regions by identifying the product's origin. Second, channel of distribution by using the channel strategy. Third, co-branding through other brands. Fourth, ingredient branding. Fifth, spokesperson, which is celebrity endorsement. Sixth, sporting, cultural or other events, that is through sponsorships. And finally, other third-party sources through awards or reviews. Now let's look at each of them in detail. Starting with the first one, that is country of origin and other geographic areas. Not only the firm that makes the product, but also the country or geographic area from which it originates may be linked to the brand and generate secondary associations. Numerous countries are known for proficiency in certain product categories or for communicating a particular type of image. Therefore, a consumer from anywhere across the globe may prefer to wear Italian suits, exercise in US athletic shoes, drive a German car, or drink Irish single malts. More examples include cigars from Cuba called Monte Cristo, single malt whisky from Scotland called Glenlivet, watches from Switzerland like Tag, Rolex, Rado, Omega, and automobile brands from Germany such as the Volkswagen Group, which includes brands like Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Skoda, etc. Second, channel of distribution. Members involved in the channel of distribution straight affect the value of the brands they market. Due to consumers being associated with the retail stores, brand's equity gets indirectly affected by an image transfer. Consumers may perceive that very brand differently depending on whether it is sold in a prestigious and exclusive shop or in setups that are designed for bargain shoppers that have more mass appeal. The store image associations can be either positive or negative for a brand. For example, the Saks Fifth Avenue, an American chain of luxury department stores, is ideal for luxury brands to sell their products. Third is the association of co-branding. When two or more existing brands come together to form a joint product or are marketing jointly in any fashion is called co-branding. Co-branding relies on leveraging secondary brand associations to build their equity in the market. It may also be called as brand bundling, brand alliances, dual branding, or brand partnership. It includes different type of collaborations, typically that involve two or more brands. From a consumer's point of view, co-branding means getting the benefits of two or more brands at the price of one. Example, Starbucks association with Spotify. The objective of the alliance was to promote loyal members of Starbucks reward program to have access to barista created Spotify playlist by using Starbucks mobile app. Spotify users get Starbucks reward points which are used to buy free drinks through the music app. Starbucks partnership with Spotify looks at untapped potential for merging food and beverage loyalty programs with music. Fourth, ingredient branding. Ingredient branding is similar to kuch kuch samajh aa raha hai abhi main aur details se samjha dunga jab hum chapter formally shuru kar rahe hain ye pata chal rahi hai kya ye baat keh raha hai Yes, no. Is anybody there?
मिस्टर अब्दुल वहाब, मिस्टर फराज, मिस महक, मिस्टर उमेर, मिस रीम, मिस तंजीला, नोबडी इज देयर. ऑलराइट, ग्रेट. To co-branding, where it creates brand value for materials and parts that are included in the making of other products. For the original products whose brand value is not that powerful, ingredient brands can provide a point of differentiation and necessary flags of quality. Example, Merdian Audio Systems and Land Rover. Merdian's alliance with Land Rover marks the finest British luxury, refined capabilities, and custom car audio. The three Merdian audio systems highlight the high-level technology to create an excellent stereo and surround sound to enhance music clarity throughout the Land Rover cabin. Some companies engage in creating their in-house ingredient brands. Example, AMG from Mercedes. AMG is developed and offered by Mercedes-Benz. It is a performance division of Mercedes-Benz. It proves to have more power, better performance, and more features than a vehicle which is not AMG. Nearly every modern Mercedes-Benz vehicle has an AMG engine, making the vehicles much more exclusive among the automobile enthusiasts around the world. Next up is celebrity endorsement. The rationale of this strategy is that a famous person can draw attention to a brand and shape its impression based on the information the audience have about the celebrity. The expectation is that the followers of the celebrity will eventually follow and accept the brand's product or services which he or she endorses. A celebrity endorser must have a high level of visibility and a rich set of potentially useful associations, judgment, and feelings. Let's look at some examples. The first, Cristiano Ronaldo and Nike. Ronaldo, being the face of football, has a unique European and global influence that other athletes fail to compete against. Signing a lifetime endorsement contract with Nike for about $1 billion makes him plausibly the richest of all Nike-sponsored athletes in the world. The next up is LeBron James and Nike. LeBron James, one of the greatest athletes to ever grace the NBA and professional sports with his presence. LeBron signed a lifetime endorsement deal with Nike in 2015. The contract promises to pay him over $1 billion by the time he's 64. The unrivaled deal shows LeBron has matured to be much more than just a basketball player. Next up are sporting, cultural, and other events. Events on their own set of association that possibly get linked to a sporting brand under some conditions. Events own their set of associations that possibly get linked to a sponsoring brand under some conditions. Sponsored events add to the brand's equity by being associated with the brand and elevating its brand awareness, uniting new associations, or gaining strength, likability, and uniqueness of present associations. An event can transfer associations, particularly in terms of credibility. A brand may appear more amiable or trustworthy by being linked to an event. Example, Vivo and FIFA. Vivo, a Chinese smartphone brand, was the official smartphone sponsor for the 2018 FIFA World Cup, which is extended to the 2022 FIFA World Cup. Super Bowl and the 2020 new sponsors. Footprint, an Arizona-based company that designs and manufactures sustainable materials and believes it can be workable alternatives to plastic. Footprint got the ideal platform to promote his message as a Super Bowl sustainability partner. The other brand to be associated with Super Bowl was Safer Watch, an app that ensures safety of its users. The Super Bowl is an opportunity to celebrate, but if there are any unpleasant incidents in the stands, fans will be able to log them via the Safer Watch app. The free service facilitates citizens to report crimes, suspicious moments, and possible threats using smartphones. And finally, third-party sources. After looking at the number of ways a brand can have secondary brand association by linking the brand to various third-party sources, these third-party sources can prove to be extremely credible ones. As a result, marketers often feature them in advertising campaigns and selling efforts. Example, Oscars. The Oscars are Academy Awards for artistic and technological merit in the film industry. Given by the Academy of Motion Picture Arts and Science, annually, the award recognizes international works of excellence in cinematic achievements as assessed by the Academy's voting membership. The next example, Skytrax. Skytrax is known as the In-Flight Research Services, which is a UK-based agency which runs airline and airport reviewing and ranking site. Skytrax grants awards to airports and airlines annually that it deems noteworthy in their performance. For instance, Qatar Airways won the title of the world's best airline in the 2019 World Airline Awards, with Singapore Airlines ranking second and the All Nippon Airways in the third place. So that's it, folks. That brings an end to the topic on leveraging secondary brand association. Right. कुछ समझ आई बात जो इन्होंने कही?
यस सर, थोड़ी बहुत समझ में आई। अच्छा चलें ये बताएं कि क्या समझ आया। सर वो मुझे स्टारबक्स का वो जो एक कंपनी है म्यूजिक कंपनी, उसके साथ जो इंटरलिंक करके मतलब कस्टमर को जो बेनिफिट वगैरह जो पहुंच रहा है, तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया इसके लिहाज से मुझे। स्टारबक्स का क्या, जरा दोबारा बताइएगा, स्टारबक्स के म्यूजिक कंपनी के साथ क्या था? कोलैबोरेशन करना। कोलैबोरेट उससे किसको फायदा हुआ? कस्टमर को से बेनिफिट हासिल हो रहा है, उसको कस्टमर को पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं रिवॉर्ड के, रिवॉर्ड में। नहीं तो स्टारबक्स म्यूजिक के कंपनी को एसोसिएट कर रहा था, शायद स्पॉटिफाई का जिक्र था या स्पॉटिफाई स्टारबक्स को से यूज कर रहे थे। यानी सवाल यह है कि जैसे सेलिब्रिटी के साथ वो आपने उसको ज्वाइन कर लिया था, मैं सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी खिंचवाने की मिसाल दे रहा था। नहीं सर। आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर खिंचवाई है या देखा है कि आपके सर्कल में लोग खिंचवाते हो या सोशल मीडिया पे आपने देखा हो? देखा है यूनिवर्सिटी में, लेकिन खिंचवाई नहीं है कभी। अच्छा तो लोग क्यों खिंचवाते हैं? सर फेम के लिए, फेसबुक पे अपलोड करने के लिए, ताकि हाँ। लोग हमें भी रिकॉग्नाइज कर सके। तो बिल्कुल आइडिया वही है कि जो सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं तो उसका फायदा उस शख्स को हो रहा है या सेलिब्रिटी को हो रहा है? ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? शख्स को हो रहा है, उस शख्स को हो रहा है। इसीलिए जो सेकेंडरी लेवरेजिंग कोई ब्रांड कर रहा है, उनकी उम्मीद है कि दूसरे ब्रांड यानी कंट्रीज भी ब्रांड हो सकती हैं, उसके साथ एसोसिएट करके फायदा हमें हो जाए। जैसे इन्होंने, अगर वीडियो आपने पता नहीं कितनी देखी है, यूट्यूब पे देखी है जाके, तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई मेरा परफ्यूम जो है वो आप बनवा, कंपनी पाकिस्तान में है मगर बनवा फ्रांस से रहे, ठीक है, और आपने कहा जी मेड इन फ्रांस, तो इसमें फ्रांस को ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि फ्रांस परफ्यूम्स के लिए मशहूर है, या आपकी कंपनी को ज्यादा फायदा हो? सर फायदा तो मुझे होगा। हाँ क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी मशहूर है परफ्यूम्स के लिए। हाँ, के नाम से आपका ब्रांड जो है वो लेवरेज यानी उड़ जाएगा। लीवर होता है ना ये, यस सर, यस समाज में आपने लीवर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? लीवर सर पता है कि वो एक चीज मतलब उड़ जाती है, मतलब कोई। जी जी जी, जी बिल्कुल। और अगर दूसरों को नहीं पता तो लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट टू अदर पीपल। देखेंगे, एक मिनट, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। वेरी गुड। हाँ लीवर ब्रदर्स आ गए। तो A rigid bar resting on a pivot used to move a heavy or firmly fixed load with one end when pressure is applied to the other. Idea, images dekhenge to aapko bilkul yaad aa jayega, jinhone science isme dilchaspi nahi li zyada, theek hai? To thoda sa pixelate ho rahi hai picture, but baharal ye load hai, hamare case mein ye brand hai, ये आपकी ब्रांडिंग की एक्टिविटीज है जो एफर्ट नजर आ रहा है। ये जो है फलक्रम है या पिवट है जहाँ पे वो टीम ये चीज मूव करेगी, तो ये लीवर है और ये लीवर का प्रिंसिपल है। तो अभी मुझे बताएं, अगर आपको साइंस से याद हो, कि अगर ये पिवट जो है वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो लोड उठाना किस वक्त आसान होगा? ये चीज लोड के करीब हो या आपकी एफर्ट के करीब हो? Which would be easier? Pivot यहाँ हो या pivot यहाँ हो, ये बताएं।
सर एफर्ट के करीब होगा तो लोड ऊपर जाएगा, उठेगा, यहाँ यहाँ भी उठेगा अगर आपके है. व्हाट कैन यू से दैट अगेन? सर मैं कह रहा हूँ एफर्ट के करीब अगर जाएगा तो ज्यादा उठेगा. ओके, लेट्स बी वेरी क्लियर. लेट्स थोड़ा सा साइंस का रिव्यू हो जाए. एक आपने पिवट यहाँ रख दिया, लेट्स से आई होप यू कैन सी दिस ड्राइंग्स, ठीक है, और दूसरा आपने पिवट जो है वो यहाँ रखा, या यहाँ ही सोच लें जो यहाँ रखा हुआ है. तो ये वन है नंबर वन और ये है नंबर टू पोजीशन. कौन सी पोजीशन में ये पिवट रखने से ज़्यादा आसानी से ये वाला वजन जो है वो उठ जाएगा? पोजीशन नंबर वन में या पोजीशन नंबर टू में? पोजीशन नंबर वन में सर. अच्छा, आप घर में ट्राई करके देखिएगा, अगर फुट्टा भी हो ना आपके पास और आप मुख्तलिफ जगहों पे कोई चीज बीच में रख के, जरूरी नहीं कि आपके पास इस शेप के कोई पिवट हो और कोई उस पर हल्का सा वजन, तजर्बा करके देखिएगा कि यहाँ से वजन ज्यादा उठेगा पॉइंट वन से या टू से. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. क्योंकि देखिए लेवरेज की जो मिसाल है ना, ये एक मिसाल है. जब मिसाल जिसकी दी जा रही है वो चीज ना समझ में आए तो उस मिसाल का फायदा खत्म हो जाता है. इसको आप क्या कहते हैं, आई डोंट नो के सीसो मालूम है क्या है. देखा हुआ होगा, आपने खेला भी होगा कभी बचपने में ये चीज. यस सर, ये था. हाँ, इसको इसको जो भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं, बट सीसो इस पे आप बैठे होंगे, ठीक है. यस यस सर. Yes. अब इसमें आप देखिए कि इस ये भी लीवर है बट इट्स ऑपरेटेड ऑन बोथ साइड. हाँ बिल्कुल. तो इन्होंने ये जो पिवट है, पिवट बीच में क्यों रखा है सर? जहां पर वजन ज्यादा होगा तो वो साइड नीचे चले जाएगी और जहां वजन कम होगा तो साइड ऊपर. वो तो सही है, मगर यहाँ बीच में क्यों रखा है? लेट्स से ये पिवट को हम इस लड़के की तरफ कर दें ज्यादा यहाँ पे, या इस लड़की की तरफ कर दें, नतीजा क्या निकलेगा? सोचे अगर हम इस पिवट को इधर मूव कर दें या इधर मूव कर दें तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? सर आई थिंक सो, अगर पिवट y की तरफ होगा तो सामने वाली जो साइड है वो मेरे ख्याल में नीचे झुकी होगी. भाई अगर हम पिवट को यहाँ लगा दें, ठीक है, इस पोजीशन पे जहाँ मैंने अब नया ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो इस लड़के के लिए उठाना दूसरी साइड को आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा. मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल यही चीज जो आप उधर कह रहे थे ना कि ये देखें ये एफर्ट लगाएगा ना, इसके लिए इस पोजीशन में मुश्किल हो जाएगा. बीच में इसीलिए रखा गया है ताकि दोनों अगर इक्वल वेट के हैं, इक्वल वेट का मतलब है उनमें रफली पावर इक्वल है जो अपनी लेग से पुशअप कर सकते हैं, तो दोनों के पास बराबरी होगी. शायद आपको बचपन में कभी याद हो कि एक अगर आपका कोई भारी दोस्त हो या बड़ा कोई शख्स हो तो वो आपको झटका दे के जो है वो गिरा सकते हैं अचानक. बाज बुलीज जो है ऐसा करते भी हैं प्लेग्राउंड में, क्योंकि उनमें ज्यादा पावर है, पिवट है बीच में, तो उनके पास अपने पर्सनल ताकत की वजह से, एफर्ट ज्यादा होने की वजह से. एक्सक्यूज मी एक मिनट, ये यूनिवर्सिटी से फोन है. जस्ट
या सॉरी अबाउट दैट, वाज अनदर यूनिवर्सिटी, उनके मिड टर्म्स भी स्केड्यूल हो रहे हैं। आप लोगों के मिड टर्म का वो आ गया कोई स्केड्यूल अभी कि कौन से दिन हमारा पेपर होगा? सर मिड टर्म फाइनल, हां फाइनल, आई एम सॉरी फाइनल, वो दूसरी यूनिवर्सिटी में अभी मिड टर्म ही नहीं हुए उनके। सर स्केड्यूल नहीं आया, बस बताया गया है कि 21st से स्टार्ट है। 21st से स्टार्ट है तो हमारा मोस्ट लाइकली क्लास वाले दिन होगा शायद, आई प्रिज्यूम। यस सर। ठीक है। एनीवे फोक्स, मकसद ये था कि लैंग्वेज में कुछ मिसालें दी जाती हैं, तो वो मिसाल इसलिए दी जाती है कि भाई अगर एक चीज की समझ ना हो तो दूसरी चीज से समझ ले इंसान। तो यहाँ जो ब्रांड लेवरेजिंग की बात हो रही है वो यही आइडिया है कि हम एक ब्रांड को, अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड के जरिए से थोड़ा सा उठा लें निस्बतन आसानी से। वो फिर मैं साइंस की डिस्कशन में चला गया था क्योंकि लेवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो लीवर से ही आया है। और जनरली भी हम ये भी बात कर सकते हैं आम इंग्लिश जुबान में कि फलाने शख्स को फलानी सिचुएशन में बड़ा लेवरेज हासिल है, ठीक है ना, उसका मतलब उसको एडवांटेज है, वो काम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं जो दूसरों के लिए जो है मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड। ओके, सो आई होप यू कैन सी दी पीडीएफ नाउ। यस सर। ऑल वेरी गुड। तो चैप्टर 6 बेसिकली खत्म है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रमोशन, ये सब हमने कर लिया था। ये रह गया है, सेकेंडरी लेवरेजिंग पे आते हैं अगले सेशन में, अभी 2-3 मिनट रह गए। पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी, ये आमतौर पे एक ही फ्रेज में इस्तेमाल किया जाते हैं, पीआर एंड पब्लिसिटी, पीआर फॉर पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी, मगर दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। पहले हम पब्लिक रिलेशंस को कह लेते हैं, ये एक्चुअली पब्लिक जो है, जैसे हम कहते हैं ना जनरल पब्लिक, तो मार्केटिंग में ये प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकता है। हम ये लव इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक्स प्लूरल, ठीक है, पब्लिक्स वही कॉन्सेप्ट है। स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने? हेलो, स्टेक होल्डर आपसे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, वेरी गुड। स्टेक होल्डर क्या होता है, चलें बताएं। सर स्टेक होल्डर आपके कस्टमर भी हो सकते हैं और आपकी कंपनी के जो भी मेंबर हैं वो सब हो सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट वाले स्टेक होल्डर हो सकते हैं? आई थिंक सो, नो सर। अच्छा, कंपेटिटर्स हो सकते हैं स्टेक होल्डर? नो सर। अच्छा, जहां आपकी फैक्ट्री है उस इलाके में जो लोग रहते हैं वो लोग हो सकते हैं स्टेक होल्डर? अगर वो कस्टमर होंगे, कंपनी से बिलोंग करते नहीं कस्टमर तो... नहीं, मैं तभी कस्टमर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। देखिए, स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन में कोई भी वो शख्स या कोई भी वो इदारा या कंपनी आ जाती है जो आपकी कंपनी से मुतासिर हो सकती हो। मुतासिर से मुराद ये नहीं कि इम्प्रेस हो गए वाह वाह क्या कंपनी, उन पे इफेक्ट पड़ सकता हो, या उस शख्स या उस ग्रुप का आपकी कंपनी पे इफेक्ट पड़ सकता हो। ये डेफिनेशन है स्टेक होल्डर की, कि आप उनको मुतासिर कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए कि क्या कंपेटिटर स्टेक होल्डर्स होते हैं? यस सर। क्या गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होगी? यस सर, बिल्कुल होगी। जो मोहल्ले में, इलाके में रह रहे हैं फैक्ट्री के, वो कहेंगे भाई हम तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते मगर आप आलूदगी कर रहे हैं हमारे उस पर, आपका जो कच्चा है वो हमारे पानी की सप्लाई में जा रहा है। तो स्टेक होल्डर का जो कॉन्सेप्ट है, अभी लेस देन 1 मिनट रह गया और दूसरे लिंक पे फिर क्लिक कर लीजिएगा। स्टेक होल्डर और पब्लिक का कॉन्सेप्ट सेम है। पब्लिक्स वो ग्रुप्स हैं, कस्टमर पब्लिक्स, एम्प्लॉय पब्लिक्स, यूनियन पब्लिक्स, गवर्नमेंट पब्लिक्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक्स, कोई भी ग्रुप है स्टेक होल्डर वाला कॉन्सेप्ट, उससे रिलेशनशिप आपने कायम रखने हैं।
ताकि आपका बिजनेस सही चलता रहे। सबसे जैसे आम फैम जुबान में हम कहेंगे भाई सबसे बना के रखनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी आप आते हैं तो टीचरों से, एडमिन से, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से।